कंड्यूसिव, सबसे पहला वर्ड है इसमें कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का अर्थ होता है फेवरेबल फॉर। कंड्यूसिव का अर्थ क्या होता है? कंड्यूसिव का अर्थ होता है फेवरेबल फॉर, अर्थात कंड्यूसिव मीन्स अनुकूल या सहायता देने वाला होता है। कंड्यूसिव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुकूल या सहायता देने वाला। कंड्यूसिव मीन्स होता है अनुकूल, अनुकूल या सहायता देने वाला, सहायता देने वाला। ओके, कंड्यूसिव का अर्थ होता है सहायता देने वाला। इसका सिनोनिम होता है, कंड्यूसिव का सिनोनिम हेल्प और यूजफुल होता है स्टूडेंट्स, और एंटोनिम होता है यूजलेस और वर्दलेस। कंड्यूसिव का एंटोनिम यूजलेस और वर्दलेस होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स वेंचर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेंचर्ड। वेंचर्ड का अर्थ होता है, वेंचर्ड का अर्थ होता है रिस्क्ड, रिस्क्ड अर्थात जोखिम उठाया। वेंचर्ड मतलब क्या होगा? जोखिम उठाया, जोखिम उठाया। वेंचर्ड मीन्स जोखिम उठाया या खतरे में पड़ा, या खतरे में पड़ा। ओके, खतरे में पड़ा। इसका सिनोनिम होता है, वेंचर्ड का सिनोनिम होता है स्टूडेंट्स एडवेंचर्ड। वेंचर्ड का सिनोनिम एडवेंचर्ड होता है और अटेम्प्टेड होता है, एडवेंचर्ड और अटेम्प्टेड होता है। और एंटोनिम होता है आइडलनेस और सर्टेनिटी। ओके, वेंचर्ड का एंटोनिम आइडलनेस और सर्टेनिटी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट। अगला वर्ड क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट का अर्थ होता है स्टूडेंट डिमिनिश, डिमिनाइस। डिमिनाइज मतलब होता है कम करना या घटाना। क्या होता है? कम करना या घटाना। डिमिनाइज मतलब कम करना या घटाना। इसका सिनोनिम होता है, मिटिगेट का सिनोनिम होता है स्टूडेंट्स एलिविएट या एस्वेज। एलिविएट या एस्वेज मिटिगेट का, मिटिगेट का सिनोनिम होता है। और मिटिगेट का एंटोनिम होता है एग्रेसिव। क्या होता है? एग्रेसिव और प्रवोक। एग्रेसिव और प्रवोक मिटिगेट का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाउंस। अगला वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है, डिनाउंस का अर्थ होता है कॉन्डेम, कॉन्डेम। डिनाउंस का अर्थ क्या होता है? कॉन्डेम अर्थात आरोप लगाना या दोषारोपण करना। डिनाउंस का अर्थ होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। ओके, आरोप लगाना या दोषारोपण करना, दोषारोपण, दोषारोपण करना। ओके, डिनाउंस का अर्थ होता है, डिनाउंस का सिनोनिम होता है एक्यूज और रिवाइल। डिनाउंस का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्यूज या रिवाइल। डिनाउंस का एंटोनिम होता है अप्लॉड और अप्रूव। डिनाउंस का एंटोनिम क्या होता है? अप्लॉड और अप्रूव डिनाउंस का एंटोनिम होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोड, GOAD, गोड। गोड का अर्थ होता है इनसाइट। ओके, गोड का मीन्स क्या होता है? गोड मीनिंग इनसाइट, अर्थात इसका अर्थ होता है अंकुश लगाना या उकसाना। क्या होता है? गोड का अर्थ होता है अंकुश लगाना या उकसाना, अंकुश लगाना या उकसाना। गोड का अर्थ होता है अंकुश लगाना या उकसाना। ओके स्टूडेंट्स, इसका सिनोनिम होता है, गोड का सिनोनिम हार्स होता है और कोर्स होता है। गोड्स का सिनोनिम क्या होता है? गोड का हार्स और कोर्स होता है। ओके, गोड का एंटोनिम ब्लॉक होता है और रिस्ट्रेंट होता है। गोड का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स?
ब्लॉक या रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेशनल। अगला वर्ड क्या है? रेशनल। रेशनल का मीनिंग होता है रियलिस्टिक। रेशनल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रियलिस्टिक होता है और इसका अर्थ होता है तर्कसंगत या विचारशील। क्या होता है? तर्कसंगत या विचारशील, विचारशील। या इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तर्कसंगत, तर्कसंगत। ओके, अगला है इसका सिनोनिम। रेशनल का सिनोनिम होता है एनालिटिकल। रेशनल का सिनोनिम क्या होता है? एनालिटिकल और ल्यूसिड। एनालिटिकल और ल्यूसिड रेशनल का सिनोनिम होता है। रेशनल का एंटोनिम होता है सेंसलेस। रेशनल का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंसलेस होता है और फुल्लिस होता है। रेशनल का एंटोनिम सेंसलेस और फुल्लिस होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमलगेशन। अगला वर्ड क्या है? प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का अर्थ होता है अनाउंसमेंट। प्रोमलगेशन का अर्थ क्या होता है? अनाउंसमेंट अर्थात घोषणा। क्या होता है? घोषणा या प्रचार। घोषणा, प्रोमलगेशन का अर्थ होता है घोषणा या प्रचार। इसका सिनोनिम होता है प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन। ओके, प्रोमलगेशन का सिनोनिम प्रोक्लेमेशन या डिसमिनेशन, डिसमिनेशन होता है, डिसमिनेशन। ओके, प्रोक्लेमेशन या डिसमिनेशन प्रोमलगेशन का सिनोनिम होता है। प्रोमलगेशन का एंटोनिम होता है सेक्रेट या मिस्ट्री। क्या होता है? सेक्रेट और मिस्ट्री प्रोमलगेशन का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का अर्थ होता है स्टूडेंट समथिंग सोई। स्पेक्टेकल मीन्स क्या होता है? समथिंग सोई मतलब दिखावे का चीज, यानी तमाशा होता है इसका अर्थ, या प्रदर्शनी। तमाशा या प्रदर्शनी, तमाशा या प्रदर्शनी। ओके, स्पेक्टेकल का अर्थ होता है तमाशा या प्रदर्शनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। अगला वर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इसका सिनोनिम होता है या डिस्प्ले। स्पेक्टेकल का सिनोनिम होता है डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्प्ले। ओके, स्पेक्टेकल का एंटोनिम्स होता है हाइडिंग या नॉर्मलिटी। हाइडिंग और नॉर्मलिटी स्पेक्टेकल का एंटोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरवर। फेरवर का मीनिंग होता है एक्साइटमेंट। फेरवर मीन्स क्या होता है? एक्साइटमेंट अर्थात जोश। फेरवर मीन्स जोश या उत्साह। फेरवर मीन्स जोश या उत्साह होता है स्टूडेंट्स। इसका सिनोनिम होता है अर्डर, अर्डर और पैशन। फेरवर का सिनोनिम क्या होता है? अर्डर और पैशन। और फेरवर का एंटोनिम होता है काम या डिप्रेशन, काम या डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओनस। ओनस, ओनस का अर्थ होता है बर्डन। बर्डन अर्थात इसका मतलब होता है बोझ या उत्तरदायित्व। ओके, ओनस का अर्थ क्या होता है? बोझ या उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ओनस का अर्थ होता है बोझ या जिम्मेदारी। इसका सिनोनिम होता है ओनस का ब्लेम, ब्लेम और इनकम्ब्रेंस। ओनस का सिनोनिम क्या होता है? ब्लेम और इनकम्ब्रेंस। और ओनस का एंटोनिम होता है ब्लेशिंग या प्रेज। ओनस का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लेशिंग या प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटोरिक। अगला वर्ड क्या है? रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है वर्डिनेस। रेटोरिक का अर्थ क्या होता है? वर्डिनेस। वर्डिनेस मतलब भाषण कला या वाक पटुता। वर्डिनेस मतलब भाषण कला, भाषण कला या
वाक्पटुता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वाक्पटुता, यानी कि बोलने में जो बहुत तेज होता है, नहीं उसे रेटोरिक या वर्डिनेस कहते हैं हम। ओके, इसका सिनोनिम होता है हाइपरबोल, हाइपरबोल या ओरेटरी, हाइपरबोले या ओरेटरी, हाइपरबोले या ओरेटरी रेटोरिक का सिनोनिम होता है, और रेटोरिक का एंटोनिम क्वाइट या कंसाइजनेस होता है, कंसाइजनेस होता है। ओके, क्वाइट या कंसाइजनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूडेंट्स रिटेलिएटरी। ओके, क्या है रिटेलिएटरी? गेट इवन विद समवन, इसका अर्थ क्या होता है? गेट इवन विद समवन, यानी मुंह तोड़ या बदला। क्या होता है? मुंह तोड़, कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह तोड़ या बदला, बदला लेना हो गया। ओके, रिटेलिएटरी। ओके, इसका सिनोनिम होता है रेसिप्रोक्रेट, रेसिप्रोक्रेट। इसका सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? रेसिप्रोक्रेट और रिकम्पेंस। क्या होता है? रिकम्पेंस। एंटोनिम होता है इसका बेनिफिशियल या रिवार्डिंग। क्या होता है? बेनिफिशियल या रिवार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूमिंग। क्या है? लूमिंग। लूमिंग का अर्थ होता है राइजिंग, यानी कि उगता हुआ, उभरता हुआ। लूमिंग का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? उभरता हुआ, उभरता हुआ, उगता हुआ। ओके, या धुंधला दिखाई देना। जब उभरता हुआ कोई चीज रहता है तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देना, और या अस्पष्ट भी कह सकते हैं, और अस्पष्ट भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम, लूमिंग का सिनोनिम होता है अप्रोचिंग। लूमिंग का सिनोनिम क्या होता है? अप्रोचिंग और इमिनेंट। लूमिंग का सिनोनिम होता है अप्रोचिंग और लुमिनेंट। ओके, लूमिंग का एंटोनिम होता है लेटर। लूमिंग का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटर और डिस्टेंट। लूमिंग का एंटोनिम लेटर और डिस्टेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जुबरेंट। एग्जुबरेंट, एग्जुबरेंट का मीनिंग होता है एनर्जेटिक। एग्जुबरेंट का मीनिंग क्या होता है? एनर्जेटिक, अर्थात उत्साहपूर्ण, हरा भरा इसे कहते हैं। हरा भरा कोई होता है, बिल्कुल खुशनुमा, उत्साहपूर्ण होता है, तो कहता है वह, कहते हैं वह तो बहुत ही हरा भरा आजकल रह रहा है। नहीं, तो हरा भरा, एग्जुबरेंट का अर्थ होता है हरा भरा या उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्ण। एग्जुबरेंट का अर्थ होता है हरा भरा या उत्साहपूर्ण, एनर्जेटिक, है ना। इसका सिनोनिम होता है एंथुजेस्टिक। एग्जुबरेंट का सिनोनिम एंथुजेस्टिक होता है या बुएंट होता है, बुएंट। ओके, एंटोनिम होता है एग्जुबरेंट का डिसकरेज और डल। एग्जुबरेंट का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसकरेज और डल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट, अगला वर्ड क्या है? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का अर्थ होता है मेक हैपन फास्टर। एक्सपेडाइट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मेक हैपन फास्टर, यानी कि जल्दी करना या झटपट करना, जल्दी करना या झटपट करना, जल्दी करना या झटपट करना। एक्सपेडाइट, एक्सपेडिटेड का क्या अर्थ होता है? एक्सपेडिटेड का अर्थ होता है जल्दी करना या झटपट करना। ओके, एक्सपेडिटेड का सिनोनिम होता है हैस्टन और फैसिलिटेट। क्या होता है? हैस्टन और फैसिलिटेट। एक्सपेडिटेड का एंटोनिम्स होता है रिटार्ड। क्या होता है? रिटार्ड और क्रीज। एक्सपेडिटेड का एंटोनिम रिटार्ड या क्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रेस। क्या है? डिस्ट्रेस।
डिस्ट्रेस का अर्थ होता है एगोनी, मतलब संकट, विपत्ति या पीड़ा। डिस्ट्रेस का अर्थ क्या हुआ? संकट, विपत्ति या पीड़ा। ओके, एगोनी, ठीक है। सिनोनिम होता है डिस्ट्रेस का, सिनोनिम होता है स्टूडेंट्स पेन। डिस्ट्रेस का सिनोनिम क्या होता है? पेन या एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, पेन या एफ्लिक्शन। डिस्ट्रेस का एंटोनिम होता है जॉयफुलनेस। एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? जॉयफुलनेस या हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस या हैप्पीनेस। अगला वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इसका मीनिंग होता है फेल्योर, है ना, यानी कि दिवालियापन होता है। इंसॉल्वेंसी का अर्थ होता है दिवालियापन। दिवालियापन कहते हैं ना कि किसी का दिवालिया निकल गया, नहीं, यानी कि वह इंसॉल्वेंसी हो गया, वह फेल्योर हो गया। और इंसॉल्वेंसी का सिनोनिम होता है डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का सिनोनिम डिटेरियोरेशन। और इनएडिक्वेंसी क्या होता है? इनएडिक्वेंसी इसका सिनोनिम होता है अकम्प्लिशमेंट। सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? अकम्प्लिशमेंट होता है या ट्रिम्फ होता है। अकम्प्लिशमेंट या ट्रिम्फ इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैडल। अगला वर्ड है सैडल। सैडल का अर्थ होता है स्टक। ओके, सैडल मीन्स वैसे घोड़े के पीठ पर रखने वाली जो होती है ना सैडल, है ना, वह भी होता है, लेकिन यहां पर सैडल का अर्थ होता है स्टक, यानी कि चिपकना या जिम्मेदारी देना, चिपका रहना या जिम्मेदारी देना। जिम्मेदारी देना, सैडल का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? जिम्मेदारी, सैडल का अर्थ होता है जिम्मेदारी देना या चिपका रहना, या चिपका रहना। ओके, अगला इसका सिनोनिम होता है बेफल्ड। सैडल का सिनोनिम बेफल्ड होता है और कॉट होता है। सैडल का सिनोनिम क्या होता है? बेफल्ड और कॉट। और सैडल का एंटोनिम होता है असिस्ट। एंटोनिम क्या होता है? असिस्ट और डिलाइट। एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? असिस्ट और डिलाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवर आर्किंग। क्या है अगला वर्ड? ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग, ओवर आर्किंग का अर्थ होता है इनकम्पैशिंग। इनकम्पैशिंग, ओवर आर्किंग का अर्थ होता है इनकम्पैशिंग, अर्थात व्यापक। क्या होता है? व्यापक। इसका सिनोनिम होता है ओवरऑल। ओवर आर्किंग का सिनोनिम ओवरऑल और थ्रू आउट होता है। ओवरऑल और थ्रू आउट ओवर आर्किंग का सिनोनिम होता है। और इसका एंटोनिम होता है रिलीज और एक्सक्लूड। एंटोनिम क्या होता है ओवर आर्किंग का? रिलीज और एक्सक्लूड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंचेंट। पेंचेंट, पेंचेंट का अर्थ होता है फोंडनेस। पेंचेंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? फोंडनेस, यानी कि रुचि, लगन, त्याग। रुचि, लगन या त्याग होता है। पेंचेंट का अर्थ क्या होता है? रुचि, लगन या त्याग। ओके, फोंडनेस। और इसका सिनोनिम, पेंचेंट का सिनोनिम होता है इंक्लिनेशन और एफिनिटी। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव या एफिनिटी। ओके, पेंचेंट का एंटोनिम होता है हेटर्ड और एंटीपैथी। क्या होता है स्टूडेंट्स? हेटर्ड या एंटीपैथी। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला वर्ड प्रोविडेंट। प्रोविडेंट का अर्थ होता है फ्रूगल। प्रोविडेंट का अर्थ क्या होता है? फ्रूगल। और इसका मतलब होता है चौकस। क्या मतलब होता है? चौकस या किफायती। चौकस, किफायती, किफायती या दूरदर्शी भी हम कहते हैं। प्रोविडेंट का अर्थ
दूरदर्शी भी होता है। ओके, प्रोविडेंट का सिनोनिम होता है केयरफुल और कैनी। प्रोविडेंट का सिनोनिम क्या होता है? केयरफुल और कैनी। प्रोविडेंट का एंटोनिम होता है केयरलेस और वेस्टफुल। प्रोविडेंट का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? केयरलेस और वेस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीगल। अगला वर्ड क्या है? रीगल। रीगल का मीनिंग होता है फिट फॉर रॉयल्टी। क्या होता है? फिट फॉर रॉयल्टी। और इसका सिनोनिम होता है ग्लोरियस अगस्त। ग्लोरियस और अगस्त इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है, रिगल का एंटोनिम होता है कोमन। ओके, रिगल का क्या होता है एंटोनिम? कोमन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जुरेज। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जुरेज। ऑब्जुरेट का अर्थ होता है स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, हठी। ऑब्जुरेट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? ऑब्जुरेट का अर्थ होता है हठी या जिद्दी। हठी या जिद्दी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इसका ऑब्जुरेट का सिनोनिम होता है एडमेंट। क्या होता है? एडमेंट या कैलस। ओके, ऑब्जुरेट का सिनोनिम होता है एडमेंट या कैलस। और एंटोनिम होता है सबमिसिव और एमिनेबल। एमिनेबल। ऑब्जुरेट का एंटोनिम क्या होता है? सबमिसिव और एमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लिकेबल। अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल का अर्थ होता है एक्सप्लेनेबल। क्या होता है? एक्सप्लेनेबल यानी कि एक्सप्लेन करने के योग्य या समझाने के योग्य। एक्सप्लेन करने के योग्य यानी कि समझाने के योग्य। ओके, अगला वर्ड है हमारा सॉरी, एक्सप्लिकेबल का सिनोनिम होता है सॉल्वेबल, जिसे सॉल्व किया जा सकता है, या और इंटेलिजिबल। 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 ओके, एक्सप्लिकेबल का एंटोनिम होता है इनकम्प्रिहेंसिबल। क्या होता है? इनकम्प्रिहेंसिबल। एक्सप्लिकेबल का एंटोनिम होता है इनकम्प्रिहेंसिबल। अगला वर्ड है हमारा कैलेट कोलेट्रल। अगला वर्ड क्या है? कोलेट्रल। कोलेट्रल का अर्थ होता है सेकेंडरी। कोलेट्रल का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक। क्या होता है? सहायक, अतिरिक्त, द्वितीयक। ओके, सहायक या अतिरिक्त। क्या होता है कोलेट्रल का अर्थ? सहायक या अतिरिक्त, है ना। बैंक में कोलेट्रल हमें जमा करना पड़ता है, अगर हम लोन लेते हैं तो वहां हमें कोलेट्रल जमा करना होता है, जो सहायक डॉक्यूमेंट होता है लोन के बदले में जो हम कोलेट जमा करते हैं डॉक्यूमेंट, वह कोलेट्रल होता है। इसका सिनोनिम कोलेट्रल का होता है एंसिलरी। एंसिलरी और इनडायरेक्ट। क्या होता है? एंसिलरी या इनडायरेक्ट। और इसका एंटोनिम होता है नेसेसरी और प्राइमरी। कोलेट्रल का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? नेसेसरी और प्राइमरी। अगला वर्ड है हमारा शीर। नेक्स्ट वर्ड है शीयर। शीयर मीन्स होता है क्लिप अर्थात काटना या मूंदना। शेयर का अर्थ क्या होता है? काटना या मूंदना, है ना। जैसे एनिमल का हम जैसे भेड़ वगैरह है उसका सियरिंग करते हैं, उसके बॉडी से जो उसका अपर फर जो होता है, फर हम निकालते हैं, तो वह सियरिंग कहलाता है वह प्रोसेस, तो काटना या मूंदना। ओके, कट और स्निप इसका क्या होता है सिनोनिम? सियर का कट और स्निप इसका सिनोनिम होता है। और एंटोनिम होता है ग्रेजुअल। एंटोनिम क्या होता है सियर का? ग्रेजुअल और हैवी। ग्रेजुअल और हैवी। अगला वर्ड है एग्जाल्ट। अगला वर्ड है हमारा एग्जाल्ट। एग्जाल्ट का अर्थ होता है प्रशंसा करना या बड़ाई करना, प्रेज, है ना।
एग्जाल्ट का अर्थ होता है प्रशंसा करना या बड़ाई करना, ठीक है, बड़ाई करना। एग्जाल्ट का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना या बड़ाई करना। अगला इसका सिनोनिम है एग्जाल्ट का, एक्सटोल। एग्जाल्ट का सिनोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सटोल, एक्सटोल और प्रमोट। एग्जाल्ट का सिनोनिम एक्सटोल और प्रमोट होता है, और एंटोनिम डिस्पैरेज। डिस्पैरेज क्या होता है? डिस्पैरेज और डिस्पाइज। क्या होता है? डिस्पैरेज और डिस्पाइज। नेक्स्ट है हमारा लेवी। लेवी, लेवी का सिनोनिम मीनिंग होता है असेसमेंट। क्या होता है? असेसमेंट। लेवी का मतलब होता है उगाही करना या कर लगाना, उगाही या कर, कर लगाना या वसूली करना, वसूली करना। ओके, सिनोनिम होता है लेवी का टैक्स या बर्डन। सिनोनिम क्या होता है? टैक्स या बर्डन। एंटोनिम होता है लेवी का, एंटोनिम होता है एक्सोनरेट, एक्सोनरेट या डिसअप्रूव। क्या होता है लेवी का एंटोनिम? एक्सोनरेट या डिसअप्रूव। अगला वर्ड है हमारा प्रशंसन, प्रजम्पशन, प्रजम्पशन। ओके, प्रजम्पशन का मीनिंग होता है बिलीफ यानी विश्वास। प्रजम्पशन का अर्थ क्या होता है? बिलीफ, विश्वास, अनुमान। तो प्रजम्पशन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुमान, अनुमान, ठीक है, या संभावना, विश्वास, संभावना, विश्वास। ओके, इसका प्रजम्पशन का सिनोनिम होता है अजम्पशन और हाइपोथेसिस। क्या होता है? अजम्पशन और हाइपोथेसिस। प्रजम्पशन का एंटोनिम सिनोनिम अजम्पशन और हाइपोथेसिस होता है। प्रजम्पशन का एंटोनिम फैक्ट होता है और रियलिटी होता है। प्रजम्पशन का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स? फैक्ट और रियलिटी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अगला वर्ड क्या है? अबैंडन। अबैंडन का मीनिंग होता है डिसरिगार्ड। अबैंडन का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। क्या होता है स्टूडेंट्स? छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना, त्याग देना। ओके, अबैंडन का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना या त्याग देना। अबैंडन का सिनोनिम होता है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी या रेकलेसनेस। क्या होता है अबैंडन का सिनोनिम? स्पॉन्टेनिटी या रेकलेसनेस। ओके, इसका एंटोनिम होता है रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट। अबैंडन का एंटोनिम क्या होता है? रिस्ट्रेंट या सेल्फ कंट्रोल। क्या होता है? रिस्ट्रेंट या सेल्फ कंट्रोल। ओके, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।